सीरियसली स्पीकिंग, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम्हारे ससुराल वाले इतनी आसानी से बेवकूफ बन गए। ओह माय गॉड, अंदाजा तो मुझे भी नहीं था कि सब इतनी आसानी से मान जाएंगे। आपको पता है नरगिस आंटी वैसे तो बहुत स्मार्ट है, पर उन्होंने भी कुछ ज्यादा वो नहीं किया। आपको पता है मेरी खिदमत में लगी हुई है, कभी जूस भेज रही है, कभी खाना लेकर आ रही है, अजीब सा माहौल है। मैडम मेरे मशवरे पे चलोगी ना तो हमेशा कामयाबी ही मिलेगी। सही कह रही, बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ जाओ, आशिर से मुलाकात भी हो जाएगी, एंड इन फैक्ट आशिर असद से बिजनेस की बात भी कर लेगा। मामा अभी तो मुमकिन नहीं है, कुछ दिन बाद मैं कोशिश करती हूँ आने की। और आशिर के बिजनेस की बात की थी मैंने असद से, अब देखें क्या होता है। रियली असद ने क्या कहा, कैसा रिस्पॉन्स था उसका? अभी कुछ नहीं कहा, वो खुद भी परेशान है, कुछ बताएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ।